हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में एग्ज़ाम जो आयोजित हुआ है CNW का, ठीक है, देख लीजिए। उत्तर रेलवे है, उत्तर रेलवे का ये प्रश्न है जो कि बहुत ही नज़दीक में यानी कि 2 दिन पहले, सिर्फ मात्र 3 तारीख को अप्रैल में, 3 अप्रैल 2021 को आयोजित हुआ है। उसी का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। टोटल 110 क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं, जो लिखा हुआ हेडिंग वगैरह पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के लिए है, CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट लेवल 6। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि लेवल 6 जो है वो JEE का पोस्ट जो है किस लेवल में आता है, तो लेवल 6 याद रखिएगा। ये सभी पढ़ना चाहिए, बहुत काम का चीज़ है। लिखित परीक्षा जो है 3 तारीख चौथा महीना 2021 को हुआ है। टाइम 2 आवर्स है, ठीक है। टोटल फुल मार्क्स हैं 100 के, यानी कि एवरी क्वेश्चन इन। चलिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस 110 क्वेश्चन, ठीक है। अटैम्प 100 क्वेश्चन ओनली, 110 क्वेश्चन इसमें 100 अटैम्प करना है, ठीक है। इच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अंक बराबर है। देयर शैल नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ आपको 100 में 100 लगाना है, चाहे आए या ना आए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कटिंग ऑफ राइटिंग रेजिंग अल्टरनेसर इज इन आंसर इज नो अलाउड, कटिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले, वीडियो चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन दिल्ली से सबसे दूर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज फर्दर देन दिल्ली, ठीक है। तो पूरी सबसे दूर पूरी है, 1790 किलोमीटर है, 1790 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर इज सिचुएशन इन नहीं सिचुएटेड होना होता, ये थोड़ा सा ग्रामर गलती हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमसे क्या पूछा है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका बिलासपुर है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, यानी कि और बिलासपुर है, पटना कोई का हेडक्वार्टर नहीं है। गोरखपुर एक हेडक्वार्टर है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने आज अपना एक पिक्चर यूट्यूब पर डाला है जिसमें लिखा हुआ है कि जिनका एग्ज़ाम हाल ही में है और जिनका डेट आ गया है या हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए मैं PDF दूंगा। तो ध्यान रखिए, ये PDF मैं जरूर दूंगा, ये कोई गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 1000 रुपये खर्च करके PDF खरीदा है, सिर्फ उनके लिए है। बाकी आदमी कमेंट हमारे मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1000 रुपये दे के उन्होंने खरीदा है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, और बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान तो आपको होगा नहीं, इसलिए मेरे पास 3-4 PDF है ऐसे हैं जो कि हमने खुद ही बनाए हैं, और वो PDF से आपको 50 से 60 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा रटना पड़ेगा, और ज़्यादा पेज का भी नहीं है, आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ देख रहा हूँ कौन सा PDF से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एक तो PDF हमने आपको बताया था कि धनबाद में जो आयोजित हुई थी उसमें से 48 क्वेश्चन कंटिन्यू लड़ गया था एक ही PDF से। तो ये सब होता रहता है, थोड़ा पढ़ने वाले जो लड़के हैं वो थोड़ा ध्यान देने दें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन उत्तर रेलवे का हिस्सा नहीं है? अब देखिए, उत्तर रेलवे का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो जिनका उत्तर रेलवे में ड्यूटी है और उनका एग्ज़ाम है उनको पता होगा कि उत्तर रेलवे में कौन सा स्टेशन नहीं आता है, और जहां आपका जोन है उसमें कौन कौन से डिवीज़न आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि क्वेश्चन पूछा कि जो उस जोन में कितने डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करता है, इसका कौन सा इसमें नहीं आता है, तो आगरा जो है आगरा नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी करनाल मुरादाबाद दिल्ली आता है, आगरा उसमें नहीं आता है, उसमें नॉर्दर्न रेलवे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इन विच ईयर सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इंडिया, सिक्किम को इंडिया में कब शामिल किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ये GK का प्रश्न है, तो GK का प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इसको जो है सिक्किम को 1975 में इंडिया में शामिल किया गया था, और 16 मई था, ठीक है, 22वां स्टेट ऑफ इंडिया था, 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सिक्किम 22वां राज्य बना था भारत का, 1975 में इसको शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा B। और ध्यान दीजिएगा, हर को जो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं उसमें A यहाँ रहता है, B यहाँ रहता है, C यहाँ रहता है, D यहाँ रहता है, लेकिन इसमें A यहाँ, B यहाँ है, ठीक है, और C यहाँ, D यहाँ है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका B यहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन विच ईयर फर्स्ट ट्रेन
स्टार्टेड इन इंडिया, पहली बार जो ट्रेन इंडिया में स्टार्ट की थी, कौन से वर्ष की गई थी? तो आपको मुंबई से थाने चला था जो 1853 में, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए एक पेज का दो हो गया, दूसरा पेज चलते हैं। दूसरा पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाउ मेनी क्या क्या हो जाता है, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में कितने जोन्स है ये पूछ रहा है। तो 18 जोन्स तो है लेकिन इसमें 17 ही ऑप्शन दिया है, तो 17 हम मार देंगे, ठीक है, इन्हें की छोड़ देंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पब्लिक सर्विस से संबंधित, कौन सा आर्टिकल ये है पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवाओं से संबंधित है ये आपसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि 311, ठीक है, 311 सिविल सेवा से संबंधित है, बाकी ये सब नहीं है, आप याद रखिएगा। संविधान की थोड़ी अनुसूचियाँ भी आपको, अनुच्छेद भी याद रखना चाहिए। विच नेशनल हाईवे कंटेंस दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन है ये पूछ रहा है। तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है NH 48 है, ठीक है, ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, और एक NH 8 भी है लेकिन ऑप्शन में NH 8 नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन यूनिट ऑफ लेंथ, अच्छा ये लंबाई की इकाई कौन सी नहीं है, ठीक है, तो मीटर से भी लंबाई नापा जाता है, सेंटीमीटर से भी, इंच से भी, और ये बार क्या है, ये दाब का मात्रक है, दाब का, ठीक है, जो कि पास्कल भी है दाब का मात्रक, उसी के अंतर्गत बार भी आता है। आगे देखते हैं, एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है एक इंच बराबर, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, ये सब भी आपको थोड़ा मोड़ा मेजरमेंट रखना चाहिए, उससे भी प्रश्न आ जाते हैं जो कि आपके सामने हैं, आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक जो है अभी हमने आपको बताया है तुरंत कि दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का, ठीक है, पास्कल यानी कि बार होता है, ठीक है, इसमें बार होगा, सेंटीमीटर केल्विन न्यूटन ये सब नहीं है, न्यूटन आप कन्फ्यूज हो सकते, न्यूटन दाब का मात्रक नहीं है, बल का मात्रक है, ठीक है, बल और दाब में अंतर होता है, केल्विन जो है टेम्परेचर का लगभग है, सेंटीमीटर तो लंबाई नापी जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। वन हॉर्स पावर HP, अभी हमने आपको तुरंत बोला, आपको सुना भी गया, वन हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का रिच सोर्स कौन सा नहीं है, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना है, कौन सा मोबाइल नंबर है, देखते रहिए वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सोर्स जो है दूध में, ठीक है, चावल और संतरा आलू से जो ऑप्शन है उसी में से हम लोगों को छाटना है, तो दूध में प्रोटीन है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो संवाहक है वो कौन नहीं है, नोट पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल जो है आसूत जल जो डिस्टिल वाटर होता है उससे करंट नहीं जाता है, ठीक है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, ग्रेफाइट भी है, शुद्ध जल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर से संबंधित क्या है नहीं है, तो रोम भी होता है, रीड रैंडम एसिस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम, मदरबोर्ड भी होता है लेकिन डैशबोर्ड नहीं होता है, ठीक है, डैशबोर्ड तो एक स्क्रीन टाइप का हो गया, वो इसमें नहीं आता है कंप्यूटर में। तो आगे देखते हैं, 17 हो गया, चलिए 18 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी स्ट्रेंज, कौन सी जो है मेमोरी स्टोरेज, स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज से संबंधित कौन सा नहीं है, मतलब तो ये भी एक रोम है, राम है, सब एक मेमोरी है, ठीक है, माउस मेमोरी नहीं, हार्ड डिस्क भी एक तरह से मेमोरी है, इसमें सब कुछ सेव हो जाता है, माउस कोई मेमोरी नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की प्रश्न है और कंप्यूटर से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
आउटपुट डिवाइस, अच्छा आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है 19, ठीक है। तो माउस जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, स्कैनर भी कभी कभी आपको आउटपुट में ही आ जाता है, लेकिन यहाँ माउस गारंटी है तो हम माउस आंसर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूनिट ऑफ, अच्छा कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट मतलब इकाई, मेगाबाइट, जीबी, एमबी, तो आप जो होता है इंटरनेट चलाते हैं आपको मालूम होगा, तो मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट है, स्नैक बाइट नहीं है। स्नैक बाइट का एक सॉफ्टवेयर है एक गेम का, ठीक है, गेमिंग हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर है गेम का स्नैक बाइट, तो ये कंप्यूटर के मेमोरी से रिलेटेड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड फ्यूल, इसे साधारणतः जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जा रहा ईंधन कौन सा नहीं है, तो कोल भी है, डीजल भी है, एलपीजी है, वैसलीन नहीं इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, प्रकृति पदार्थ कौन सा नहीं है, ठीक है, ये वो पूछ रहा है, तो प्लास्टिक तो है ही नहीं सबसे पहले, रबड़ भी, रबड़ का भी पेड़ होता है, वुड कोल्स तो है प्राकृतिक लेकिन प्लास्टिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूएबल एनर्जी सोर्स, मतलब अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है ये बोलिए, तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत आपसे जब भी पूछे, ठीक है, अक्षय ऊर्जा तो हवा से भी होता है, सोलर से भी होता है, हाइड्रो से भी होता है, थर्मल जो है अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 के, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी होम अप्लायंसेस इंडिया ऑपरेट, मतलब भारत की किस प्रकार की घरेलू उपकरण जो है संचालित है, किस वोल्टेज पर, उसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में आप वोल्टेज नहीं लीजिएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है मात्रक, तो हर्ट्ज अगर पूछे 50 है, 50 हर्ट्ज भारत में होती है, ठीक है, ये वोल्ट में नहीं पूछा है, नहीं तो 220 वोल्ट हो जाता है ये हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एट व्हाट वोल्टेज होम अप्लायंस इन इंडिया ऑपरेट, अच्छा ये वोल्टेज में जो इंडिया में वो जो ऑपरेट होता है घरेलू उपकरण, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी, 220 वोल्ट होता है, ठीक है, 220 से 240 तक होता है। इंडियन रेलवे एसी ट्रैक्शन इज एट व्हाट वोल्टेज, भारतीय रेलवे का एसी कर्शन किस वोल्टेज पर है, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो भारतीय रेलवे का एसी कर्शन किस वोल्टेज पर है, वो है कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, नीचे चला गया, हाँ वो है यहाँ है, इंडियन रेलवे का वोल्टेज जो है वो है 25 केवी, ठीक है, 25 केवी, ठीक है, 25 केवी बराबर होता है 25,000 वोल्ट, याद रखिएगा 25,000 वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच कंट्री इज बिलीव्ड टू बी द सोर्स ऑफ कोरोना वायरस, विच कंट्री इज बिलीव टू बी द, अच्छा किस कंपनी को वायरस का स्रोत माना जाता है, तो चाइना से ही तो आया है, ये तो सबको मालूम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कुछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोविड टीका नहीं है, ये भी आपको जानना जरूरी है, कोविड वैक्सीन जो है कौन सा नहीं है पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोविड वैक्सीन, तो कोविड वैक्सीन कौन सा नहीं है ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ये कोवैक्सीन भी कोविड वैक्सीन है, ठीक है, जाइकोवीडी भी कोविड वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेसिया भी कोविड वैक्सीन है, ये जो है कोविड वैक्सीन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड हैबिट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड, कौन सा जो है कोविड के प्रसार को रोकने के लिए अच्छी आदत नहीं है, ये पूछ रहा है, कोविड को प्रसार होने के लिए अच्छी आदत कौन सी नहीं है, तो वो है वियरिंग मास्क, मास्क पहनना ज़रूरी है, शेकिंग हैंड, हैंड पहनना ज़रूरी है, नहीं है, मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, आइसोलेशन भी करना है, लेकिन शेकिंग हैंड जो है ये अच्छी आदत नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, और पहले के ज़माने में मिलाते थे, अब ज़माना बदल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग कॉमन सिम्पटम ऑफ कोविड, अच्छा इनमें से कौन जो है कोविड के लक्षण नहीं है पूछ रहा है, नहीं और हाँ पर ध्यान देखिएगा, किसी भी प्रश्न में आपको नहीं कहेगा, आप हाँ समझ के उसको आंसर लगा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है।
तो फीवर जो है लक्षण है कोविड के, टायर्डनेस भी है, थकान भी है, ड्राई कफ भी है मतलब सूखी खांसी, और ये फ्लैट फुट नहीं है, ठीक है, फ्लैट फुट जो है नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अब आ गया जो है रेलवे के प्योर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मटेरियल से आते हैं, ये तो इधर उधर का था। SF11 इशूड इन अकॉर्डिंग ऑन विच रूल्स, SF11 किस रूल के अंतर्गत आता है, ये तो बहुत अच्छा पूछा है, जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल है उसी के अंतर्गत आता है ना, DNAR रूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। SF11 माइनर पेनल्टी होता है, याद रखिएगा, SF5 मेजर पेनल्टी होता है, SF1 सस्पेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील्स विद वर्किंग आवर्स ऑफ केटमैन, अच्छा वर्किंग आवर्स जो होता है वो किसके अंदर, HOER के अंदर होता है, HOER, आवर्स ऑफ रूल वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है। ठीक है, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील विथ कैजुअल लीव, कैजुअल लीव मतलब CL जो लगाते हैं किस रूल के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये लीव रूल्स के अंतर्गत आता है, इसका C हो जाएगा। पास रूल, डी रूल, HIR रूल के नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील विथ इशू ऑफ प्रिविलेज पास, पास जो इशू होता है वो किस रूल के अंतर्गत आता है, तो पास रूल के अंतर्गत आता है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। रेलवे एम्प्लॉय इंजर्ड एट वर्क प्लेस इन इन टाइटल टू द काइंड ऑफ लीव, मतलब कि जो कार्यस्थल पर कर्मचारी घायल कभी हो जाता है तो किस तरह की छुट्टी का हकदार है, ये पूछ रहा है, ठीक है, तो किस तरह की छुट्टी उसको मिलती है जब कार्यस्थल पर घायल हो जाता है, तो उसको सीक लीव मिलती है, ठीक है, सीक लीव। आगे बढ़ते हैं, एज पर 7 CPC जो 7th पे कमीशन है, पोस्ट ऑफ जे CNW इज एट वाट लेवल, देखिए जे जो है किस लेवल पर आता है, तो हमने आपको शुरू बताया, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, लेवल 6 में आता है, ठीक है, जे। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव इज अलाउड, मैक्सिमम जो अमाउंट स्टडी लीव है वो 12-12 साल का 2 पीरियड में ले सकते हैं, यानी कि 2 ईयर, 12-12 महीने का 2 पीरियड में, यानी कि 2 ईयर्स में लिख सकते हैं, और कुछ मेजर केस होता है उसके लिए अलग प्रावधान है जिसका कि यहाँ वर्णन नहीं किया है, तो हम सीधे 2 ईयर्स आंसर लगा देंगे। 37 हो गया, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन अलाउड ऑफ प्रिविलेज, अच्छा प्रिविलेज पास पर टिकट रद्द करने की अनुमति की सीमा क्या है, तो प्रिविलेज पास पर जो टिकट रद्द करने की सीमा है 3 बार आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 बार रिजर्वेशन, 2 बार कैंसिल, ठीक है, 2 बार कैंसिल, 3 बार रिजर्वेशन, 1 बार पहली बार कटाएं तो उसको कैंसिल कर दे सकते हैं जो कि रिजर्वेशन हो चुका है, फिर दूसरी बार कटाएं तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं जो कि रिजर्वेशन हो चुका है, और तीसरी बार कटाएं तो उसको कैंसिल नहीं होगा, यानी कि याद रखिएगा 3 बार कैंसिलेशन, 2 बार रिजर्वेशन, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कैंसिलेशन का पूछ रहा है, तो 2 होगा आंसर, ठीक है। PTO पर अगर पूछे तो 2 बार कैंसिलेशन, 1 बार रिजर्वेशन। आगे देखते हैं, लाइट कम है क्या, लाइट बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो अभी तुरंत बदल गए हैं, याद रखिएगा सुनीत शर्मा नाम है उनका, सुनीत शर्मा। चलिए इससे पहले अब ये पूछ सकता है, तो विनोद कुमार यादव थे, ये भी आपसे पूछ सकता है कि इससे पहले कौन थे। व्हाट इज द प्रेजेंट जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, आप जिस रेलवे में काम करते हैं उसका GM, उसका DRM, ये सब का नाम आपको याद रखना चाहिए, उसका CME, ठीक है, उसका AGM, ये सब नाम याद रखना चाहिए। तो देखिए नॉर्दर्न रेलवे का जो अभी वर्तमान में GM है वो पूछ रहा है, तो वर्तमान में उसका जो आशुतोष गंगल, ठीक है, ये डी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ बफर कपलर, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछ चुका है, ये नकल इसका वीकेस्ट लिंक होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रल बफर कपलर यूज इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में किस प्रकार का सेंट्रल बफर कपलर यूज किया जाता है, तो AAR टाइप लगाएंगे हम लोग, क्योंकि LHB वाला इस टाइप वाला यहाँ नहीं दिया ऑप्शन, तो AAR लगाएंगे, डी आंसर। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड नकल आर यूज इन AAR टाइप सेंट्रल बफर कपलर, में किस प्रकार के नकल और हेड यूज किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा
ENF टाइप, ठीक है, ENF टाइप का जो कपलर है, हेड और नकल है वो यूज किया जाता है। 44 देखिए, वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ बफर कपलर इज, वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल बफर कपलर का जो स्ट्रेंथ है उसकी ताकत कितनी है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी ताकत जो है 120 टन की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन, नकल जो का जो पिवट पिन होता है उसका डायमीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो नकल का पिवट पिन है उसका डायमीटर जो है, जब भी आपसे पूछे तो 40 mm लगाइएगा, ठीक है। नकल पिवट पिन का डायमीटर 40 mm। 46 देखिए, विच कंपोनेंट एब्जॉर्ब द बफर इंपैक्ट इन बफर गियर असेंबली, विच कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब द बफर इंपैक्ट इन बफर गियर असेंबली, मतलब बफर गियर असेंबली में बफर किस घटक को अवशोषित करता है, ठीक है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग, बफर स्प्रिंग, ठीक है, बफर स्प्रिंग से जो है वही तो बैलेंस करता है इसको, ठीक है। द ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ लोको टू इंडिविजुअल वैगन इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ, वैगन के लिए लोको का ट्रैक्टिव प्रयास किसकी सहायता से प्रसारित किया जाता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा जो है नकल, है नहीं, इसका ड्रॉ गियर, ठीक है, इसका ड्रॉ गियर आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ए बी सी डी थोड़ा कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं और होता है, बी कहीं और होता है, सी कहीं और होता है, डी भी कहीं और होता है। चलिए 47 तक हो गया, जब मैं कंफ्यूज रहा हूँ तो आप भी हो सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान रखिएगा कहाँ ए बी सी डी है, क्योंकि गलत क्वेश्चन लगने की बहुत संभावना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ व्हील ऑन ट्रेड बॉक्सन वैगन का जो व्हील होता है, व्हील ट्रेड, उसका स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछ रहा है। तो उसका डायमेंशन जो है 1000, ठीक है, स्टैंडर्ड 1000 है, ठीक है, स्टैंडर्ड पूछे तो 1000। चलिए, और कंडेमनिंग पूछे तो 906, ठीक है, कंडेमनिंग 906, स्टैंडर्ड 1000, याद रखिएगा बॉक्सन वैगन का, ठीक है। और अभी थोड़ा और जान लीजिए, अब यहाँ आ गए तो यूआईसी का पूछे, यूआईसी का अगर पूछे तो स्टैंडर्ड 1000, कंडेमनिंग 860, ठीक है। बीएलसी वैगन का पूछे तो स्टैंडर्ड 840, कंडेमनिंग 780, आईसीएफ का पूछे तो 915 और 825, और एलएचबी का पूछे तो 915 और 845, कहीं 850, कहीं 855 भी है, आप ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, 845 ही सही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, 49 में क्या बोलता है, बॉक्सन वैगन पर चलने वाले पहिए की न्यूनतम व्यास, ये देखिए न्यूनतम पूछ दिया ना कंडेमनिंग, तो ये हो गया 906। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज क्या है, पहिया गेज पर मापा जाता है, मतलब कि कब मापा जाता है, ऑफ लोड कंडीशन में मापा जाएगा ना, लोड कंडीशन में कैसे मापा जाएगा, ठीक है। इसका ए हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, द एक्सल लोड ऑफ बी टी पी एन वैगन, बी टी पी एन जो वैगन होता है उसका एक्सल लोड पूछ रहा है, तो 22.9 यानी कि ए, ठीक है। और बॉक्सन वैगन, ठीक है, बॉक्सन वैगन, बी सी एन वैगन, बी आर एन वैगन, बी ओ बी आर वैगन या बी टी पी एन वैगन का भी पूछे तो वही आंसर होगा, ठीक है, 22.9 टन, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द रेडियस ऑफ द रेडियस एट द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑफ न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल इज, रेडियस पूछा, रेडियस एट द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑफ न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल इज, तो न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल का रेडियस पूछ रहा है, ठीक है, न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा रेडियस, इधर उधर क्यों होता है जी, इसका हो जाएगा ए यानी कि 14, ठीक है, 14 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 53, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज वैगन आर, ठीक है, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज वैगन आर, मतलब ब्रॉड गेज वैगन पर चलने वाले अनुमेय अधिकतम फ्लैट सतह कितना होता है जो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 60 mm, अभी ऑप्शन सही आया, ठीक है, अब ये भी सी डी अच्छा लगेगा। तो 53 का बी हो गया, ठीक है। आगे देखें 54 का, व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, ठीक है, एक्सल का एकीकृत हिस्सा क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जर्नल, ठीक है, सी। उसके बाद 55 देखिए, क्वेश्चन को बहुत छेड़छाड़ कर दिए हैं जो भेजने वाले हैं, और कोई बात नहीं, ये सब करना सब जायज़ है,
वन नंबर आना चाहिए, किसी क्वेश्चन को कितना भी छेड़िए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको लेके चले आना है। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ यूएसी कैसनब बोगी, ठीक है, 55 देख रहे हैं, 55 देखिए, स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ यूएसी कैसनब बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज, मतलब यूएसी कैसनब बोगी का जो कंपोजिट ब्लॉक ब्रेक ब्लॉक है उसकी मानक मोटाई पूछ रहा है, थिकनेस, ठीक है, तो उसका थिकनेस जो है डी होता है, 58 mm, ठीक है, 10 mm तक चलेगा, ठीक है, 48 mm भी घिस जाएगा तो चलेगा, 10 mm इसका कंडेमिंग साइज है, 58 mm नया साइज है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन ए ग्रुप फॉर लोड बेयरिंग एंड स्नबर स्प्रिंग, मतलब लोड बेयरिंग और सबर स्प्रिंग के समूह में अनुमेय भिन्नता, मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, वो पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 mm का डिफरेंस होना जायज है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, द लेंथ ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ बॉक्सन वैगन, बॉक्सन वैगन का जो ब्रेक ब्लॉक है उसका लेंथ कितना होता है ये पूछ रहा है। बॉक्सन वैगन का क्वेश्चन नंबर कितना है 57, लेंथ ऑफ ब्रेक, अच्छा बॉक्सन वैगन का जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसका नॉट स्पेसिफाइड इसका आंसर होगा, ठीक है, वैसे स्पेसिफाइड इसको नहीं किया गया, यही आंसर आप लगाएंगे। क्वेश्चन को रिपीट भी होता है, ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, और जो ये क्वेश्चन है उसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन दूसरे एग्जाम से पूछा हुआ है। लोडेड अवस्था में एक बोगी पर किसी भी दो स्प्रिंग के बीच कैम्बर में विविधता अधिकतम, मतलब हाइट में कैम्बरिंग जो होता है ना, हाइट एक दूसरे से ज़्यादा हाइट में कोई वेरिएशन जो है, तो वेरिएशन इन कैम्बरिंग बिटवीन एनी टू स्प्रिंग ऑफ बोगी अंडर लोड शुड नॉट एक्सीड, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये पूछ रहा है, ठीक है, इसका हो जाएगा 13 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, दूसरा पेज चलते हैं, आज पूरा ख़त्म करने की कोशिश में हूँ ताकि दो वीडियो नहीं बनाना पड़े इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, व्हाट इज द कंडेमिंग वियर लिमिट ऑफ नैरो जो है? क्या है अच्छा इतना ही है क्वेश्चन, अच्छा हम हिंदी में हम लोग समझ लेंगे, व्हाट इज द कंडेमिंग लिमिट नियर जो क्राउन लग, वाइड नैरो जो एडॉप्टर के क्राउन लग के वियर लिमिट, मतलब घिस जो क्राउन लग होता है उसका घिसने की लिमिट पूछ रहा है, ठीक है, तो उसका लिमिट जो है 4 mm होता है, 4 mm। आगे देखिए, व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक पैड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कैसन बोगी का, इलेक्ट्रोमेरिक पैड जो उसका नॉमिनल थिकनेस कितना होता है ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंडेमिंग साइज ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक पैड ऑफ कैसन बोगी, कंडेमिंग साइज अगर पूछे तो, कंडेमिंग साइज अगर पूछे तो 42 mm लगाइएगा, और न्यू साइज पूछे तो 46 mm लगाइएगा जो इलेक्ट्रोमेरिक पैड होता है उसका। मेंटेनेंस मैनुअल कैसन बोगी का जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है, तो ये होता है G95, जी का जितना है जो मेरे PDF में आपको मिल जाएगा, कौन सा पेज मिलेगा ये भी हमने एक वीडियो में बताया था, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो तैयारी आपकी अच्छी होगी, इससे भी एक दो प्रश्न आ सकते हैं G97 G95 इस सबसे। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्व ऑफ कोच जैसी कहे तो समझिए कोचिंग स्टॉक, और वैगन गुड्स कहे तो वैगन का, तो कोच में होता है 200 लीटर की कैपेसिटी होता है, ठीक है, और 6 kg का इसमें प्रेशर होता है। इन ट्विप पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक इज, ब्रेक को छोड़ने का जो रिलीजिंग टाइम होता है वो कितना होता है ये पूछ रहा है, तो 15-20 सेकंड का टाइम होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है आपको, जो मारना है मार लीजिए, सबसे कम देख के मार लीजिए, सबसे कम देख 27 है इसी को मार लीजिए, एक्चुअली में 15-20 सेकंड का रिलीजिंग टाइम होता है, अब क्या सोच के ऑप्शन दिया है ये एग्ज़ाम लेने वाला जाने। ए डायमेंशन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन नॉन एसी कोच का ए डायमेंशन और ई डायमेंशन हमने आपको पढ़ाया था कि ए डायमेंशन क्या होता है, ए डायमेंशन फिर से एक बार सुन लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन जो SAB बैरल होता है, SAB बैरल और कंट्रोल हेड ये दोनों के बीच की दूरी को ए डायमेंशन कहा जाता है, और ई डायमेंशन कहा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द प्रोटेक्शन ट्यूब एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द प्रोटेक्शन ट्यूब एंड और क्या होता है मार्क ऑन द एडजस्टर स्पाइंडल, ठीक है, इसके बीच की दूरी को ई डायमेंशन होता है। ए डायमेंशन हमने बताया था कोचिंग में गुड्स में क्या होता है, जो आपको उसको वीडियो आपको देखना चाहिए, नहीं तो PDF आपके पास है ही, तो सबसे पहले देखिए नॉन एसी का जो ए डायमेंशन होता है 16 ± 2, ठीक है,
लाइट क्यों कम हो जाता है यार? 16 प्लस माइनस 2 होता है, 16 प्लस माइनस 2 सोलह नॉन एसी का, ठीक है। और एसी का अगर पूछे, देखिए एसी कोच का भी लगे हाँ तो पूछ दिया, तो ये भी आपको प्लस पॉइंट होगा, जिनको ये याद होगा उनको ये भी याद होगा, ठीक है। तो 66 क्या बोल रहा है कि एसी कोच का, तो 22 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है। ये भी प्लस 2 माइनस 0 है, प्लस माइनस 2 नहीं है, ठीक है। मैं बुला गया ठीक से, कभी कभी एक दो प्रश्न मेरे वीडियो में आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, बोल देता हूँ थोड़ा गलती भी रहता है, लेकिन हड़बड़ी में हो जाता है। इन्हें पैसेंजर ट्रेन ई डायमेंशन इज, ई डायमेंशन क्या, अब ई डायमेंशन देखिए, ई डायमेंशन भी हमने आपको पूरा डायमेंशन बता दिया है, जो सारे वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा, जिनके पास नोट्स होगा उनको भी पता होगा। इन्हें पैसेंजर ट्रेन ई डायमेंशन इज, ई डायमेंशन क्या है, पैसेंजर ट्रेन में गुड्स में सब में अलग अलग होता है, तो ई डायमेंशन पैसेंजर में पूछ रहा है, तो 375 प्लस माइनस 25, ठीक है, 375 प्लस माइनस 25। आगे देखिए, इन द पैसेंजर ट्रेन आई सी एफ द डायमीटर ब्रेक, आई सी एफ का है पैसेंजर ट्रेन आई सी एफ, ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना होता है, तो 25 सेमी होता है, ठीक है। याद रखिए ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों का व्यास एक ही होता है 25 सेमी, आपने देखा होगा कि दोनों पाइप तो एक ही जैसा होता है। आगे देखते हैं 69 के, इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इज, ब्रांच पाइप का डायमीटर कितना होता है, तो ब्रांच पाइप का अगर डायमीटर आपसे पूछे तो 20 एम एम लगाइएगा, ठीक है, 20 एम एम इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हाउ मेनी एंगल कोक आर प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम, ट्विन पाइप सिस्टम में कितने एंगल कोक प्रदान किए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, तो 4 एंगल कोक, दो एक एक बीपी का और एक एफपी का ये साइड, और बीपी बीएफपी का एक साइड, यानी कि 4 हो जाते हैं। 70 हो गया, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आज ख़त्म हो पाएगा कि नहीं मालूम नहीं। चलिए 71 से शुरू करते हैं। बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, वर्किंग ट्रेन में बीपी का प्रेशर कितना होता है, 5 प्लस माइनस 0.1 केजी होता है। इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल ट्रेन, रूट में अगर पूछे तो इन रूट में 90% होता है, और ओरिजिन स्टेशन पूछे तो 100% होता है। द फुल फॉर्म ऑफ बीपी, बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रेक पाइप होता है। आगे देखिए, इन ट्विन पाइप सिस्टम एयर प्रेशर शुड बी, द्वि प्रणाली में एआर दबाव क्या होना चाहिए, 6 किलो होता है एआर का, एक्सिलरी रिजर्वर का दबाव 6 किलो का होता है। चलिए, मूल स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ब्रेक पावर परसेंटेज 100% होता है, अभी हमने आपको बताया। कट ऑफ एंगल कोक कैन बी फिटेड, कट ऑफ एंगल कोक जो है कहाँ फिट किया जाता है, वो फिट किया जाता है कहाँ, एफपी के साथ फिट किया जाता है, जो कि एआर रिजर्वर के पहले होता है, यानी कि एफपी इसका 76 का ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ एंगल कोक वो बोला है, नहीं, दोनों पे इसको इसको होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा सी, हम एनआरवी समझ गए थे, नॉन रिटर्न वाल्व। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक कोचिंग ट्रेन, कोचिंग ट्रेन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है कोचिंग ट्रेन में वो कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो कोचिंग ट्रेन में तो ऐसे 32 होता है, लेकिन 32 कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको हम ए ले लेंगे। कहाँ गया 77 का, ले लेंगे पिस्टन स्ट्रोक 60 प्लस माइनस 10 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 78 देखिए, इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर, कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम पूछेगा तो उसमें ब्रेक सिलेंडर का कितना होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कन्वेंशनल में होता है 2, ठीक है, कन्वेंशनल में 2 होता है, ठीक है। उसके बाद 79 देखिए, द ब्रेक डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम, कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक का जो ये होता है, ब्रेक सिलेंडर होता है, उसका व्यास कितना होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। 355 एमएम होता है, ठीक है, 355 एमएम, लेकिन 355 इसमें किसी में ऑप्शन नहीं दिया है, तो
तो आपको जो मर्जी वो ले लीजिए। एक दो प्रश्न तो गलत मिल गए हैं ये क्वेश्चन में। आगे देखिए क्वेश्चन में 80। चलिए इसका क्वेश्चन आएगा जो आगे का है, नहीं नहीं ये बना ही देते हैं। इन इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन द सिलेंडर प्रेशर राइजेस फ्रॉम 0.3 kg सेंटीमीटर का आपातकालीन प्रयोग में जो होता है ब्रेक सिलेंडर का, लाइट क्यों कम जाता है बार बार, 0 से 3.6 kg का जो सेंटीमीटर स्क्वायर आपातकालीन प्रयोग में जो होता है वो बढ़ जाता है, टाइम उसका पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इमरजेंसी ब्रेक हम लोग लगाते हैं तो इसका 3 से 5 सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक लगता 3 से 5 सेकंड में और रिलीज 15 से 20 सेकंड में होता है, ठीक है। देखिए असंवेदनशील परीक्षण के दौरान ब्रेक लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में हमने आपको बताया था, वो कितने देर का होता है, ठीक है, वो कितने देर का होता है, 60 सेकंड का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 82। चेक वॉल्व विथ चॉक अलाउ एयर फ्रॉम, चेक चॉक युक्त चेक वॉल्व को किस दिशा में प्रवाहित किया जाता है। चेक वॉल्व विथ चॉक अलाउज एयर फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। जो चेक वॉल्व मतलब NRV जो होता है नॉन रिटर्न वॉल्व, उसको ही चेक वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, FP2 AR में उसको लगाया जाता है, FP से एयर लेके AR में देता है वो। तो 82 हो गया, आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 83 से, 83 से चलते हैं 83। क्वेश्चन ठीक से दिख भी नहीं रहा है मेरे ख्याल से। फीड पाइप जो है, फीड पाइप का जो ब्रेक है उसका डाया पूछ रहा है, तो उसका 25 mm होगा, ठीक है। चलिए ढक जाता है, चलिए इसको याद रखिएगा, फीड पाइप का 25 mm है। क्वेश्चन 84 देखिए, 84 क्या बोलता है, व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRB विच प्रेशर इज वेंट आउट। कौन सा ब्रेक मैनुअली रिलीज हो गया तो किसका प्रेशर जो है वेंट आउट हो जाएगा, किसका है, DC ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो है एग्जॉस्ट हो जाता है वायुमंडल में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो इसका हो जाएगा 84 का ए, जो QRV द्वारा ब्रेक मैनुअल रूप से रिलीज किया, अच्छा अच्छा CR का प्रेशर, ठीक है, QRV जो रहा CR, इसका D हो जाएगा 85 का। देखिए इन कोचिंग ट्रेन एक्सॉलेटेड रिजर्वर इज चार्जेड टू, कोचिंग ट्रेन में जो एक्सॉलेटेड रिजर्वर है उसको AR जो है किस प्रेशर तक भरा जाता है, तो 6 AR का प्रेशर पूछ रहा है, तो 6 kg हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 क्या बोलता है, 86 का ट्रेन की लंबाई फीड पाइप को संपीड़ित हवा के दबाव, देखिए हिंदी पढ़ने में कितना परेशानी होता है, फीड पाइप थ्रू द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्जर विद द कंप्रेस्ड एयर एट, फीड पाइप को जो है कितना तक चार्ज किया, हमेशा प्रेशर उसमें 5 किलो का ही रहता है, तो इसको 5 किलो ही लेंगे। इसको 87 देखिए, 87 आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वर डिसकनेक्टेड फ्रॉम, ब्रेक जो एप्लीकेशन होगा तो कंट्रोल रिजर्वर जो है ये कैसे डिसकनेक्टेड होगा, कंट्रोल रिजर्वर को किससे अलग करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा ये ब्रेक पाइप से कंट्रोल रिजर्वर कनेक्शन हट जाता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान कंट्रोल रिजर्वर जो है CR इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम, किससे अलग किया जाता है, तो क्योंकि जो ब्रेक का जो एप्लीकेशन होता है पहले से जो BP का पाइप रहता है वो AR से कनेक्टेड रहता है, जैसे ही ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो वो उसका कनेक्शन जो है AR रिजर्वर से हो जाता है CR से डिसकनेक्ट होके, तो इसका BP आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक आवेदन के पश्चात कंट्रोल रिजर्वायर को किससे अलग किया जाता है, तो ब्रेक पाइप को अलग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 87 का ए हो जाएगा। उसके बाद 88 का देखिए, 88 क्या बोलता है, आफ्टर ब्रेक रिलीज्ड आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द एक्सॉलरी रिजर्वर, जो ब्रेक रिलीज होती है तो ब्रेक सिलेंडर किसके सहायता से जो है अलग किया जाता है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डीवी की सहायता से, डीवी जो है सेंस करता है और वही क्या करता है कि ब्रेक किससे अलग करना है किससे जोड़ना है ये डीवी ही करता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन, कोचिंग ट्रेन में जो ब्रेक पाइप का जो कलर होता है बीपी का, वो ग्रीन होता है। एफपी का अगर पूछे, दोनों क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत ही अच्छा है, जिनको ये आता होगा उनको वो भी आता होगा। तो जो फीड पाइप होता है उसका कलर वाइट होता है, इसका वाइट हो जाएगा, इसका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड ऑन द ब्रेक पाइप इज पेंटेड, जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है वो फीड पाइप में जो होता है लगा होता है उसका वाइट कलर से पेंट किया जाता है, ठीक है। उसका कट ऑफ एंगल जो फीड पाइप में जो होता है वाइट कलर से, और जो ब्रेक पाइप में होता है उसको ग्रीन कलर से पेंट किया जाता है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व, गार्ड का जो इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व होता है उसका 8 mm का चौक डाया होता है, 8 mm लिखा है इसको, और 1 mm लिखना चाहिए। चलिए 93 हो गया। उसके बाद 94 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर यूज इन पैसेंजर कोचेस, पैसेंजर कोच में किस टाइप का स्लैक एडजस्टर यूज किया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है और पूछ भी दिया। तो इसका जो है IRSA 450, ठीक है, IRSA 450 टाइप का स्लैक एडजस्टर यूज किया जाता है। चलिए 94 तक हो गया, बस नज़दीक में ही है, ख़त्म हो जाएगा। चलिए लास्ट पेज है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। द थ्री ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लीड, मिडिल पाइप किसको लीड करता है, जो तीन पाइप कॉमन पाइप ब्रैकेट्स होता है उसमें तीन पाइप होता है ना, उसमें मिडिल जो पाइप होता है किसको लीड करता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा AR को लीड करता है, एक्चुअल रिजर्वर को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू, ब्रेक रिलीज के दौरान जो एयर है BC से हवा ब्रेक सिलेंडर से कहाँ जाती है, तो एटमोसफेयर में जाती है। टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच, टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच, बोगी माउंटेड पैसेंजर जो कोच होता है उसमें किस प्रकार का डर्ट कलेक्टर, ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कितने जोनों में, इसको याद रखिएगा, ये टू वे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, DB डायरेक्टली माउंटेड, DB जो है कॉमन पाइप ब्रैकेट के थ्रू माउंटेड होता है। उसके बाद 99 देखिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 98 वाला भी, विच कंपोनेंट सप्लाईज कंप्रेस्ड एयर, जो सारे PVDF क्वेश्चन देखते होंगे उनको सब पता होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कौन सा जोन में आ चुका है, ये आपको वार्निंग है, आप पूरा क्वेश्चन देखिए तभी आपका काम होगा। उसके बाद देखिए 90 DB डायरेक्टली हो गया, 99 देखिए, विच कंपोनेंट सप्लाईज कंप्रेस्ड एयर टू DV, कौन सा घटक DV को संपीड़ित हवा की आपूर्ति कौन कराता है DV को, तो DV को जो है मेन वॉल्व। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व इज DV कंट्रोल चार्जिंग ऑफ CR, DV निम्नलिखित में से कौन सा CR चार्ज को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा कट ऑफ वॉल्व, ठीक है, कट ऑफ वॉल्व। उसके क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, अब आ गया राजभाषा से संबंधित प्रश्न। चलिए 101 देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो राजस्थानी नहीं है, ठीक है, बाकी डोगरी कश्मीरी गुजराती सब है। उसके बाद किसी भाषा को, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको है, तो राज्य के रूप राज्य का विधानमंडल है वो अंगीकार कर सकता है। उसके बाद 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो 1955 में राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है, तो उसका जो है बाल गंगाधर खड़े, ठीक है। निम्नलिखित में तकनीकी मौलिक पुस्तक लिखने के लिए कौन सा, तकनीकी जो मौलिक पुस्तक लिखने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, पुस्तक लिखने के लिए दिया जाता है, तकनीकी पुस्तक का यही से पुस्तक के लिए यही एक ऑप्शन बच रहा है, तो इसको आंसर ए ले लेंगे। 106 देखिए, हिंदी लिखने और बोलने की प्रधानता के अनुसार मिजोरम किस क्षेत्र में आता है,
तो हमने आपको पहले ही बताया था कि क, ख और ग तीनों क्षेत्र आपको याद करना है। कोई भी क्षेत्र का क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी राज्य का नाम लेकर, ठीक है। तो मिजोरम जो है ग क्षेत्र में आता है, ठीक है। हिंदी मिजोरम ग क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र से नहीं है? गुजरात है, महाराष्ट्र, हरियाणा है। कौन सा ख क्षेत्र से नहीं है? ठीक है, तो हरियाणा नहीं, हरियाणा जो है क क्षेत्र से है, ख क्षेत्र से नहीं है। उसके बाद 108 देखिए, भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु में जो है राजभाषा नियम लागू नहीं है। 109 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है जबकि वह एक राजकीय भाषा है? राजकीय भाषा भी है और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो उसका जो है अंग्रेजी है, ठीक है। नागालैंड की राजकीय भाषा है और इसको राजभाषा में शामिल भी किया गया है। 22 जो 8वीं अनुसूची है 22 भाषाओं है उसमें। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो 110 क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर 8121390916 पर संपर्क कर सकते हैं। सर मुझे नोट मैसेज लिखिए कि सर मुझे नोट्स लेना है, मुझे पैसा पे करना है, 1000 रुपया उसके लिए पे करना पड़ता है क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के तो ज्ञान होगा नहीं, तो 1000 पे करना है हमको किस, और उसका गूगल पे फोन पे नंबर आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पे कीजिएगा। 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आपको सारा नोट्स दे दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।